मेल्ट हो रही है। मैं 10 तक गिनूंगा, 10 तक, और अगर नहीं आई बाहर तो मैं खा जाऊंगा पक्का इसको। 1, 2। फाइव हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू रजवीर व्लॉग्स। सुबह तो आज मैं 5 बजे से पहले ही उठ गया था और व्लॉग मेरा अब सेव हो रहा है, फाइनली एडिट हो चुका है। मैं फटाफट से नहाने जाता हूँ, 8 बज चुके हैं, नाश्ता भी हो चुका है, पहले ही कर लिया था, बस जाके नहा के रेडी होके स्कूल निकलना है फटाफट से। सिस्टी भी रेडी हो रही है। लो जी, पहुंच गए हैं, और ये कुछ सामान हमारा नीचे पड़ा हुआ है, हम यहाँ रख कर गए थे। खैर, तो अभी फ़िलहाल इतना हुआ है, अब इसकी आउटलाइनिंग करके फिर इसको ख़त्म करके फिर देखते हैं और कि फिर इसके बाद क्या काम होता है। आंटी कित है? मना ना बेरा कित है? हाँ बोलना बोलना बोलना। बाज गई आंटी, बाज गई। पता नहीं कहाँ गए आंटी, बच्चे ढूंढते हुए घूम रहे हैं आंटी को। सो गाइज, अभी पेंटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, बस कोट लिखना बाकी है, अब वही करूँगा। अभी सबसे पहले मैं बना रहा हूँ इस पर बैंडेज, बैंडेज बना के सारी इस पर अलग अलग लाइनें लिखनी है। और खाना हम खा चुके हैं और चाय भी नहीं मिली है। और हाँ, आज फिर अगेन स्कूल से कॉल आया था जहाँ पर मैं इंटरव्यू देकर आया था, तो जो मैंने सैलरी पैकेज इनको बोला था तो उसमें वो मान तो गए हैं, अब अपनी कुछ डिमांड्स रखेंगे। तो देखते, आज फिर बुलाया है लास्ट मीटिंग के लिए। मैं जानता था कि मेरे जो सैलरी पैकेज मैंने उनको बोला है वो देंगे ही, क्योंकि मुझे मेरे काम पर कोई शक नहीं है, कि मुझे पता है जिस लेवल का काम है तो उस लेवल के अकॉर्डिंग जो मैंने बोला है वो तो कम ही है। फिलहाल आज देखना ही है कि क्या कंडीशन बताते हैं वो, कि क्या क्या शर्तें होती हैं उनकी। सो ईट क्लीन, ड्रिंक वाटर, स्टे एक्टिव, बी हेल्दी, ये आपके लिए भी है और आपके लिए भी है। और ये अगेन वही पेंट कर रही, क्योंकि कुछ छोटे छोटे हमारे अभी बाकी थी पैलेट्स, तो ये छोटे छोटे ख़त्म करके देन उस पेंटिंग को भी ख़त्म कर देंगे। और ये वाली पेंटिंग अब इतनी हो गई है, अब सर बोल रहे जो नीचे ये चीज़ दिख रही है ना, इसको भी अजीब ना लगे तो इसको भी यहाँ पर भी कुछ बना दो। तो अब देखता हूँ कि यहाँ पर क्या बना सकता हूँ। तो अभी ये और ये निकलने की तैयारी, क्योंकि आर्ट कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा सा फाइनल टच बाकी है, आउटलाइनिंग बाकी है थोड़ी सी। ये देखना काम चल रहा है यहाँ पर, और ये वाली क्रेन का लुक ऐसा लग रहा है सांप की तरह, ओ बैंड हो गई है। तो फाइनली हम स्कूल पहुँच गए हैं, अब अंदर जाते हैं। तो ये है वो स्कूल जहाँ पर मैंने इंटरव्यू दिया, लगता ना आलीशान 5-स्टार होटल जैसा। और ये है पूरा ग्राउंड लंबा चौड़ा। सो फाइनली जो मैंने सैलरी पैकेज बोला था उसमें वो उन्होंने यस कर दिया है, और ज्वाइनिंग के लिए मुझे बताएंगे। और मैं वहाँ से ऐसे छूटते ऐसे भागा हूँ ना, क्योंकि सिस्टी को लेना था, ऑलरेडी देर हो गई, तो फटाफट से पहले मैं मतलब मुझे है ना प्रेशर भी बना हुआ है, लेकिन मैं तब वो भी नहीं गया, मैं फटाफट से भागा हूँ मतलब मैम के रूम से निकलते ही। और अभी एक मैम है वो लेके आ रही है सिस्टी को ऑटो में, तो और इसी रास्ते से जाएंगी, तो मैं अभी फ़िलहाल रास्ते में खड़ा हूँ।
और पहुंच गया फाइनली। जल्दी से आ जा जल्दी से। मैं सिस्टी को ले लिया है, अब फटाफट से पहुंचते हैं स्टूडियो जल्दी से। अब जाके रिलैक्स हो, कितना अच्छा लग रहा है। ये आ गई है मेरी मैगी बनके, और ये इधर अपनी मैगी खाई जा रही है, और मैं बैठ रहा हूँ एडिटिंग करने के लिए। और अभी कर रहा हूँ कुछ लोगों के रिप्लाई, बीच बीच में ट्राई करता रहता हूँ अब उठा उठा के एक दो लोगों के। मैगी ख़त्म करके फिर लेंगे बढ़िया सी चाय। और आज सोच रहा था मैं कि आज है ना हम वीडियो शूट करेंगे अपनी स्टोरी का, लव स्टोरी का, बट आज वहाँ से सुबह कॉल आ गया, फिर जाना मतलब कि फिर कैंसिल हो गया आज स्टोरी का। तो अभी देखते हैं, अगर टाइम मिलता है तो करेंगे, नहीं तो अदरवाइज़ फिर कल रखते हैं, ताकि मेरी कोशिश यही है कि सैटरडे संडे में उसको पोस्ट कर दूँ। ये लो जी चाय, थैंक यू सोना। और ये कमेंट पड़े जा रहे हैं चाय के साथ, बदौरिया, और थैंक यू सोना बदौरिया। बहुत लोगों के इंस्पायरिंग कमेंट होते हैं और बहुत मोटिवेशन मिलती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और ये जो भाभी है ना, आप लोग मतलब जितना वो समझते हो कि बहुत इनोसेंट है बेचारी, बहुत बहुत नॉनवेज बातें आती है इसके दिमाग में बहुत ज़्यादा। आप क्या समझते हो? कुछ नहीं समझता, मतलब बहुत प्यारी वो समझता था, इनोसेंट सीधी सी समझता था। तो अब कैसी हूँ? अब नॉनवेज बातें सारी समझते हो, हंसते हो, कोई भी बात बोल रहे हो उस बात को गलत मतलब में जाता है। तो मतलब सीधी नहीं हूँ? नहीं सीधी हो, मतलब कैसे समझाऊँ। कमेंट्स पढ़े जा रहे हैं, भाभी कमेंट्स पढ़ती है मोस्टली, लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स देख देख के अच्छा लगता है भाभी को। मैं भी जब लाइक करता हूँ पढ़ता हूँ, तो अब लाइक करता हूँ, लोगों की रिप्लाई करता हूँ। और बस अब देखना ही है कि जॉब का कैसे सेटलमेंट होता है, मतलब कैसे मैनेज होते हैं चीज़ें, व्लॉग कैसे मैनेज होता है जॉब में, और चीज़ें। और राजवीर वाले चैनल पे भी वीडियो डालनी है, आर्ट वाले पे भी वीडियो डालनी है, और सबके क्वेश्चंस के रिप्लाई भी करनी है, और जॉब भी करनी है। लेट्स देखते हैं ये चैलेंज कैसे एक्सेप्ट होता है लाइफ का। मुझे चैलेंज लेने में बहुत मज़ा आता है, सब चीज़ें सेल्फ ही करनी होती है मोस्टली जितने भी ट्रांस हैं ना उन लोगों की। देखो फिर से गलत मतलब निकला इसके दिमाग में, देखा। यही एग्जैक्टली यही बोलना चाह रहा था मैं, कि मतलब मैं कुछ बात कहता हूँ इसके दिमाग में कुछ और घंटी बजती है। नहीं, चाय मुझे लगा चाय गिरी, मैं बात भी भुला दी मेरे को क्या मैं बात बोल रहा था। सो अब चल रही है खाना खाने की तैयारी, खाना बनाने की। और 9 बज चुके हैं। हाँ चप्पल दे दो, अपनी चप्पल। अच्छा ये लो अपनी चप्पल। बहुत टाइम बाद आई, उतार लो आरती। ओए वो कुत्ते से डर रही है। हाँ क्या? हाँ इसको देख के ही बोल रही है, इसको देख के बोलेगी, इसकी सृष्टि को देख के डर के भाग गई। क्या हुआ? सो आज तो खाने में ज़बरदस्त मिर्ची खिला दी, और मेरे पेट में हो रही है भयंकर जलन, तो खाना तो मुझसे खाया ही नहीं गया। हो जाता है कभी कभी खाने में मिर्ची तेज़ हो जाती है, तो आज तेज़ नहीं, बहुत बहुत हाई लेवल था मिर्च का, वो सुबह पता चलेगा। तो फिलहाल मार्केट की तरफ आया हूँ, देखता हूँ कि कुछ ठंडा मिलता है, तो ये पेट में कुछ ठंडक महसूस हो। देखो लाइटिंग ही लाइटिंग, बड़ी अच्छी लगती है यार मार्केट में, है ना ऐसी लाइटें वेटे पूरी दूर दूर तक लाइट कर रखी है सारे पेड़। कुल्फी का कौन सा फ्लेवर है? ये रबड़ी है। रबड़ी है, ठीक है यही दे दो। तो जी आइसक्रीम के साथ साथ एक ये भी ले लिया है, इलायची फ्लेवर दूध ठंडा, ठीक है। नहीं आना तो कोई बात नहीं, दोनों आइसक्रीम मैं ही खा लूँगा फिर। मैं तो नहीं, ये कोई कंपलसरी नहीं है। हाँ। जहाँ ऐसा कोई वो नहीं होता, बच्चों को हर चीज का जवाब नहीं देते। हमारे टाइम पे तो मम्मी रोते रहते थे, जो मिलता था मारती थी उससे, जो बेलना जो मिलता था ढक्कन से तक भी बोल दिया ना हमें भी लेके जाना। जल्दी आना, जल्दी मैं 10 तक गिनूंगा, 10 तक, और अगर नहीं आई बाहर तो मैं खा जाऊंगा पक्का इसको। 1 5
टू थ्री फोर जल्दी जल्दी फाइव ये हुई ना बात। मेरे तो बेटा वैसे ही जलन हो रही है पेट में, मैं तो खा ही जाऊंगा ठंडी के चक्कर में। पापा ही नहीं जॉब लग रही है बड़े स्कूल में, बहुत बड़े फाइव स्टार है वो। आ जाओ। हाँ लाओ, मैं भी चेस करता हूँ। मम्मी तीन एक चार एक साथ चलेंगे। ये सो सेलिब्रेशन, कुल्फी सेलिब्रेशन। बूमरैंग तो बनाई ही नहीं। अच्छा बूमरैंग ही बनाते रहे बस, खा लो अब इतनी देर में पिघल जाएगी, बूमरैंग बनाते रहेंगे तो। सो गाइज अभी है सोने की तैयारी और अभी करता हूँ इस व्लॉग का एंड। सो होप गाइज आपने आज के व्लॉग को एंजॉय किया हो। सो आज हुई है खूब मस्ती और आज व्लॉग भी एडिट हुआ है मेरी पेंटिंग की, मैंने एक वीडियो भी अपलोड की कर दी है, तो राजवीर आर्ट चैनल पर आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। ये जो मैंने मेडिटेशन वाली काउंसलर रूम में बनाई थी पेंटिंग, ये वो वाली वॉल आर्ट है, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस। और भी मैं आर्ट वाले चैनल पे आप वीडियोस मेंटेन करूँगा और मतलब कुछ यूनिक तरह का आर्ट लेके आऊँगा अपने आर्ट वाले चैनल पे। नॉर्मली तो सभी करते हैं कि लाइक थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करूँगा, और राजवीर वाले चैनल पे भी बहुत जल्द। व्लॉग्स वाले पे तो मेरे व्लॉग्स डेली आ ही रहे हैं, आप लोगों को पता ही है, मेरी कोशिश यही रहेगी कि सारी चीज़ों को मैनेज करूं स्टेप बाय स्टेप। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। आप भी बोल दीजिए गुड नाइट। गुड नाइट।